नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश इलेक्शन एट द रेट 2019 में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की जीत दर्ज कर दिल्ली में तख्तो ताज पर अपना कब्जा कायम करने के लिए सियासी दलों में जंग शुरू हो गई। बीजेपी जहां दूसरी बार अपनी सरकार की जुगत में लगी है, तो कांग्रेस कमबैक की कवायद में जुटी है। तो इस कोशिश पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी बड़ा रोल है। तो दोनों राज्यों में चुनाव से जुड़ी हलचल पर देखिए इलेक्शन एट द रेट 2019। विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के जिन दिग्गजों ने प्रचार की कमान संभाली थी, अब लोकसभा चुनाव में उनको अपनी सीट बचाने की चुनौती है। अब ऐसे में चिंता ये बढ़ जाती है कि पार्टी को जिताए या फिर खुद की जीत की जिम्मेदारी ले। देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश में दिग्गजों पर टेंशन भारी, पार्टी को जिताएं या ले खुद की जिम्मेदारी। कांग्रेस बीजेपी का एक जैसा हाल, कैसे हल होगा ये सवाल। वाकई ये सवाल प्रदेश के सियासतदानों को परेशान कर रहा है, और खासकर उन नेताओं को जो अपनी पार्टी के फेस भी हैं और खुद इलेक्शन की रेस में भी हैं। पहले बात सत्ताधारी दल कांग्रेस की, जो 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता में लौटी है और लीड रोल प्ले कर रहे हैं कमलनाथ, जिनका तो ये हाल है कि वो एक्टिंग डायरेक्शन सबका जिम्मा संभाल रहे हैं। यानी उन्हें लोकसभा चुनाव जीतकर खुद को हीरो साबित करना है और अपने विरासत के वारिस बेटे नकुलनाथ को अपनी छिंदवाड़ा से जीत दिलाकर बम्पर लॉन्चिंग भी करानी है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी हाल जुदा नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान समन्वय से विजय दिलाने वाले राजा साहब को भोपाल से लोकसभा चुनाव का टिकट क्या मिला, अब उनके पास भी यही धर्म संकट है कि भोपाल में परचम लहराया जाए या फिर पूरे प्रदेश में पार्टी को दम दिया जाए। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तीसरे स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सिंधिया के पास यूपी की जिम्मेदारी के साथ साथ गुना सीट पर बड़ी चुनौती है। इस बार सिंधिया का पूरे प्रदेश पर फोकस करना मुश्किल है। पार्टी ने अजय सिंह को सीधी से टिकट दिया है। अजय सिंह विधानसभा चुनाव में हार के बाद संसद की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सीधी सीट जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपनी जीत आसान करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में दोनों पार्टियों के दिग्गज इसी दिक्कत से परेशान हैं और कह रहे हैं, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। राकेश सिंह जबलपुर में खुद अपनी सीट बचाने की जंग लड़ रहे हैं। कांग्रेस से विवेक तनखा का नाम सामने आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस बार पार्टी में सेना नायक का रोल निभाना उनके लिए मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भौर में फंसे हैं और वो ग्वालियर छोड़ मुरैना चले गए हैं। सांसद प्रहलाद पटेल को भी अपना खेल बिगड़ता दिख रहा है, इसलिए वो पार्टी से ज्यादा खुद में व्यस्त हैं। तो ये बात साफ है कि दोनों पार्टियों के नेताओं को खुद का विकेट भी बचाना है और टीम को भी जिताना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन अपनी टीम को जिताते हुए विनिंग टीम का मैन ऑफ द मैच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ने के चैलेंज के बाद अब कांग्रेस की तरफ से एक और झटका दिया गया है। दिग्विजय ने राजगढ़ से कार्यकर्ताओं को भोपाल में अपना प्रचार करने के लिए बुलाया था, तो कांग्रेस संगठन ने आदेश निकाला और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दे दी कि वे अपने जिले में ही प्रचार करें। ऐसा नहीं किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। क्या भोपाल में लड़ाई सीएम वर्सेस सुपर सीएम के बीच है? क्या चुनाव में दिग्विजय की टक्कर कांग्रेस से ही है? क्या दिग्विजय सिंह को हराना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? कार्यकर्ता दूसरे जिले में क्यों नहीं कर सकते प्रचार प्रसार? 16 साल बाद कठिन सीट से चुनाव की चुनौती से शुरू हुई तकरार, संघ कार्यालय की सुरक्षा बहाली की पैरवी के बाद अब बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर निकले एक आदेश से दिग्विजय सिंह को तीसरा बड़ा झटका मिलना महज इत्तेफाक नहीं है। तो पहले सुनिए दिग्विजय का 31 मार्च को अपने गृह जिले राजगढ़ में दिया ये बयान। ये सब जो बैठे हैं ये मेरी ताकत है, है कि नहीं है? अब ये जितने भी यहाँ मौजूद हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि
कि राजगढ़ सीट तो जितानी है लेकिन भोपाल भी जिताना है। मेरे पास पूछने मत आना कि हम कहां जाएं, आपको खुली छूट है। भोपाल सीट पर जीत की उम्मीद से दिग्विजय सिंह राजगढ़ के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भोपाल में अपने पक्ष में प्रचार प्रसार का न्योता दे रहे थे। उसमें अगले ही दिन यानी 1 अप्रैल को ही पानी फेर दिया गया। खुद उन्हीं की पार्टी कांग्रेस ने अपने आदेश में साफ लहजे में लिखा कि कांग्रेस के पदाधिकारी नेता सिर्फ अपने जिले में ही चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री इस पर घुमा फिरा कर जवाब देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 29 सीटें जीतनी हैं, इसलिए जिले के कार्यकर्ताओं को जिले में काम करने का आदेश निकाला गया है। मैं हूँ प्रभारी, जाऊंगा ना वहाँ होशंगाबाद, मेरे साथ 4 आदमी भी जाते हैं, तो ये कोई वो है नहीं। लेकिन हाँ, तो किसी का भी वो तो उसके बूथ पे है, उसके मोहल्ले में, इसलिए कांग्रेस ने आदरणीय गवर्नर जी ने भी अपने बूथ पे अपने साथ काम करें। कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस आदेश के बाद बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया कि मध्य प्रदेश में सीएम और सुपर सीएम की सरकार की टक्कर है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह को नीचा दिखाना चाहते हैं तो दिग्विजय कमलनाथ को। बीजेपी की माने तो कांग्रेस की गुटबाजी का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। अब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की ये सुपर सीएम और सीएम के बीच का झगड़ा है, देखते हैं जीतता कौन है। पर मैं कमलनाथ जी को आग्रह पूर्वक कर देना चाहता हूं कि ये बड़ी विचित्र कांग्रेस है, ये आपके आदेशों का पालन नहीं करेगी, बल्कि ये कांग्रेस आपको फंसाने का काम करेगी। इसलिए राजा अब आपको फंसा रहा है, आप राजा को फंसा रहे हो, लेकिन वो जो परिपत्र आपके नए अध्यक्ष के नाते निकाला है, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस उसका पालन करेगी। बीजेपी के बयान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जिस बूथ पर रहते हैं वह बूथ जिताएं, जिस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं उसके लिए काम करें, जिस जिले में हैं उस जिले का लोकसभा सांसद हमारा हो। कमलनाथ जी ने जो निर्देश दिए हैं तर्क संगत हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को यह कहा है कि अपने क्षेत्र का काम निपटाकर भोपाल में काम करें, लेकिन बीजेपी परेशान और दुखी पार्टी है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। कमलनाथ जी ने जो निर्देश दिए हैं तथ्य संगत है, और वैसा दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि यहाँ का काम निपटा के, मैंने भी यही कहा, जब इंदौर की लोकसभा का चुनाव निपट के अगर कहीं समय बचता है तो मुझे जाना चाहिए। बीजेपी परेशान पार्टी, दुखी पार्टी है, समझ नहीं आ रहा उसको क्या बोलना और क्या नहीं करना। अब तो बीजेपी को सवाल हमारी पार्टी में नहीं उनकी पार्टी में पूछना चाहिए कि आपकी नीति क्या है, नीयत क्या है, आप किस ओर देश को ले जाना चाहते हो, नफरत की ओर या इंसानियत की। बहरहाल कांग्रेस में अखंड परंपरा रही है कि कांग्रेस को अगर किसी ने हराया है तो वो कांग्रेस ही रही है। अब देखना होगा कि क्या दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से चुनाव जीतेंगे या फिर कांग्रेस की पुरानी परंपरा का निर्वाहन होते हुए उन्हें भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हराएंगे। लिहाजा कांग्रेस की अखंड परंपरा रही है कि यदि कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो वो खुद कांग्रेस ही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मौजूदा हालातों में क्या सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह के बीच क्या वाकई सब कुछ नहीं है? हालांकि ये तो तय है कि 16 साल बाद चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य भोपाल सीट से हार या जीत ही तय करेगी, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिरकार क्यों दिग्विजय सिंह को उनकी ही पार्टी बार बार मुश्किलों की घड़ी में लाकर खड़ा कर देती है। कैमरा पर्सन इरफान जैदी के साथ पूजा यादव, नाती टीवी भोपाल। हर चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग सक्रिय रहता, लेकिन आज हम आपको बैतूल जिले के एक ऐसे आदिवासी बाहुल गांव को दिखाते हैं जहां आज तक किसी ने भी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया, लेकिन पहली बार मतदान करने की इन आदिवासियों की खुशी तब खत्म हो गई जब इन्हें यह मालूम हुआ कि मतदान केंद्र इनके गांव से 11 किलोमीटर दूर बनाया गया। वहीं जिला निर्वाचन केंद्र भी इस मामले में अपनी लाचारी बयां कर रहा है। मतदाताओं की मायूसी और अधिकारियों की लाचारी पर देखिए यह रिपोर्ट। बैतूल जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा बॉर्डर पर बसा घोड़ा डोंगरी ब्लॉक का ये दानवखेड़ा गांव, जहां लगभग कोरकू आदिवासी रहते हैं,
जंगल के दुर्गम रास्तों से इस गांव तक पहुंच पाना एक कठिन काम होता है। इस गांव में 231 मतदाता हैं, जिन्हें पिछले साल पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला। हैरत की बात यह है कि इन आदिवासियों ने आज तक किसी भी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया। मतदान ना करने की वजह से इनके गांव में विकास रुका है। गांव में ना बिजली है, ना सड़क, ना स्कूल और ना ही पानी का कोई इंतजाम। हमने बहुत सूची भी दिया, लेकिन यहाँ सरकार को हमने बहुत चेतावनी भी दिया कि भाई हमारा नाम जुड़ा जाए, तो सरकार हमारा नाम जोड़ने के लिए बहुत देर लगाया। कितने साल लग गए लड़ाई करने? लड़ाई करने का हम 2008 से हम लड़ाई किया, तो 2018 में आज हमारी आधी अधूरा, ये भी अधूरा काम किया कि अधूरा का जुड़ा है पूरा का पूरा काम। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले गांव में 231 लोगों को मतदान का अधिकार मिला, लेकिन अब यहां कई ऐसे लोग हैं जो मतदान करना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनके मतदाता परिचय पत्र तक नहीं बने। लोकसभा में वोट नहीं डाले, वोट डालना है, परिचय पत्र बनाना है हम सबका। कभी भी मतदान नहीं किया? नहीं सर, बाकी ने कर दिया सर, लेकिन हमने नहीं किया। हमको बनाना चाहता है सर। आपके ऐसे और कितने लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया? सर बहुत से जाने। पिछले 20 साल से ये आदिवासी मतदान का अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और जब उन्हें ये अधिकार मिला तो एक नया पीच सामने है। लोकसभा चुनाव में इनके लिए गांव से 11 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां मतदान करने जाना बिना किसी मदद के संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि दानवखेड़ा गांव के आदिवासी पहली बार भी लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे या नहीं। जिला प्रशासन की और प्रशासन की शासन की जो समस्या रही है इनकी, इनकी समस्या को ढंग से लिया ही नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। इनके गांव में ना हेडपंप है, ना स्कूल है, ना आंगनबाड़ी है, ना राशन कार्ड बने, ना आधार कार्ड बने और ना जॉब कार्ड बने हैं। और इतनी मेहनत के जंगल के गांव में जो लोग रह रहे हैं, तो सरकार का जो अभियान चल रहा है कि कोई मतदाता ना छूटे, किसी की लाइन ना टूटे, तो ये कैसे काम होगा? करोड़ों रुपया चुनाव आयोग खर्चा करता है, लेकिन इस पे जो भारत से अलग गांव है क्या, जो इस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया है? जो इसके जिम्मेदार हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, जी हम मांग करते हैं। और मतदान केंद्र दानवाखेड़ा गांव में ही बने, जिससे 100% वोट यहां पे लोग डाल सकें। इस मामले को लेकर जब जिला निर्वाचन अधिकारी से बात कही गई, तो उन्होंने मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल इनके गाँव में मतदान केंद्र बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतदान केंद्र का इश्यू है, अभी रेशनलाइजेशन का प्रोसेस जो रहता है, पोलिंग स्टेशन नए जो अपने बनाते हैं वो ख़त्म हो चुका है। बट हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार इन्हें जितने वहाँ पे मतदाता है सभी को वोटिंग हम करवाएं, और इसके बाद पोलिंग स्टेशन की जो उनकी डिमांड है वो भी हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। कोई मतदाता छूट ना जाए, इसके लिए चुनाव आयोग हर बार तमाम तरह की कवायद कर रहा है, लेकिन दानवखेड़ा के इन आदिवासियों की आज भी उपेक्षा हो रही है, जो अपने जीवन में पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने को उत्सुक हैं। अब देखना होगा कि क्या निर्वाचन आयोग इन आदिवासियों की गुहार पर मतदान केंद्र गांव के करीब बनाएगा, या फिर उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी और ये वोटर पहली बार मतदान कर पाएंगे। तो पूरे देश में धान का कटोरा कही जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के कारण सियासी माहौल गर्म है, और राज्य में 3 चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गुरुवार को नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन था। कांग्रेस के अनेक दिग्गज नेताओं ने फॉर्म भरे। प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जिन लोकसभा सीटों पर नामांकन पत्र भरा, वहां पर विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साथ थे। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। रायपुर सीट की बात करें तो बीजेपी से पूर्व महापौर सुनील सोनी ने कल नामांकन दाखिल किया, तो कांग्रेस के लिए वर्तमान महापौर ने आज पर्चा दाखिल किया।
निश्चित तौर पे रायपुर लोकसभा चुनाव कार्यकर्ता हम सब मिलकर जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जिस प्रकार से अभी राहुल जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस का, एक राष्ट्र विरोधी ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान का घोषणा पत्र है कि पाकिस्तान का घोषणा पत्र है। आज जो है, जो देश में तिरंगा झंडा जला दे या देश के खिलाफ में कोई बोल दे उसके लिए अपराध नहीं है। वो सारी धाराओं को हटा रहे हैं। इस बात को जनता जो है उसका जवाब देगी और राष्ट्र में समर्पित भाव रखने वाले कार्यकर्ता और उस पार्टी को जो है जनता विजयी बनाएगी और आने वाले समय में हमारा देश तरक्की करे, नए भारत का निर्माण हो, सारे जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति उनके जीवन में परिवर्तन आए, सभी वर्गों के जीवन में परिवर्तन आए, इस भाव के साथ में जो है हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। केंद्र में जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 100 से ज्यादा उन्होंने काम किए। पेंशन से अगर दैनिक दिनचर्या सुबह 6 बजे से लेकर रात तक के चैन के लोगों की नींद सोने तक का इंतजाम केंद्र की कांग्रेस की जब सरकार थी 10 साल में उन्होंने किया। राज्य में भूपेश बघेल जी की सरकार आई, 60 दिन के 60 काम, शहरों के लिए उन्होंने काम किया, गांवों के लिए काम किया। और जहां तक मेरा कार्यकाल है 4 साल का, तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और आज लोगों को ये लग रहा है कि उनके परिवार का सदस्य चुनाव लड़ रहा है। और इस प्रकार प्रदेश की 11 सीटों में कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होना है। वर्तमान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत से चुनाव जीती है, इसलिए उसका मनोबल बहुत ही अच्छा है। वहीं दूसरी ओर 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर विजय हासिल की थी और अब उन सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। लोकसभा चुनाव में दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। जहां तक राजधानी रायपुर लोकसभा सीट की बात है, इसे हाई प्रोफाइल सीट कहा जाता है और इसका असर पूरे प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर पड़ता है और इसको देखते हुए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल रायपुर लोकसभा सीट पर अपने पक्ष में माहौल बनाने में पूरी ताकत में जुट गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ की जनता विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भी बदलाव करेगी या फिर बीजेपी का दबदबा बरकरार रहेगा। रायपुर से शीतल शर्मा की रिपोर्ट। तो हमारी खास पेशकश इलेक्शन @2019 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के लिए खबरों के लिए बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।